सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दबंग स्पेशल। जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम का नाम दबंग स्पेशल है, तो दोस्तों आपको अब अंदाजा लग ही गया होगा कि आज मैं आप सभी को बॉलीवुड के दबंग भाईजान और सुल्तान कहलाए जाने वाले सलमान खान की कुछ दिलचस्प किस्सों से रूबरू करवाने वाली हूँ। उनसे जुड़े कुछ खास खबरों से मैं आप सभी को हमारे इस खास प्रोग्राम में रूबरू करवाऊंगी। जी हाँ, और आज हम बात करेंगे सलमान खान और उनकी चहेती यानी कि कैटरीना कैफ को लेकर भी। सलमान खान के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वहीं हम बात करेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर ऐसा माना जा रहा है कि भाई कैटरीना कैफ अब सलमान खान की दुल्हनिया बन गई है। ये सुनने में काफी ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन आपको बता दे कैटरीना कैफ की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिससे सोशल मीडिया पर फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि भाई कैटरीना कैफ अब सलमान खान की दुल्हनिया बनने के लिए तैयार हो गई हैं। अब पूरा माजरा क्या है और सलमान खान से जुड़ी अपडेट खबर क्या है, उसे देखने के लिए देखिए हमारे ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की चहेती यानी कि कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भारत को लेकर खूब चर्चा में है। ये तो आप सभी जानते हैं कि सलमान और कैटरीना की जोड़ी फिल्म भारत में नजर आने वाली है, लेकिन आपको बता दें हाल ही में खबर सामने आई है कि कैटरीना कैफ इन दिनों सलमान खान के लिए दुल्हन बन गई हैं। हाल ही में कैटरीना कैफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की जिसमे कैटरीना दुल्हन के रूप में नजर आई है और माना जा रहा है कि कैटरीना का ये लुक फिल्म भारत के लिए ही है। जैसे ही कैटरीना का ये लुक सामने आया तभी से सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि फिल्म में कैटरीना कैफ सलमान खान की दुल्हन के रूप में नजर आने वाली है। वेल, हर कोई उम्मीद करता था कि भाई सलमान और कैटरीना असल जिंदगी में यानी कि रियल लाइफ में शादी कर लेंगे। अब रियल लाइफ का तो मालूम नहीं, लेकिन रियल लाइफ में यानी कि पर्दे पर ये दोनों जरूर शादी के बंधन में बंधते हुए नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी को तो भाई हर कोई पसंद करता है। एक वक्त था जब ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। लेकिन ब्रेकअप के बाद भी जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं, इन दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि भले ही अब इन दोनों का रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं प्यार तो जरूर कायम है। और हाल ही में कैटरीना कैफ ने इस बात का सबूत भी दे दिया। दरअसल कैटरीना कैफ की एक तस्वीर सामने आई है। फोटो में कैटरीना कैफ सलमान खान के लिए हारमोनियम के साथ संगीत का रियाज कर रही हैं। फोटो में साफ जाहिर है कि कैटरीना सलमान के लिए और उनकी अपकमिंग फिल्म भारत में एक सिंगर का रोल प्ले करने वाली हैं। और ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि सलमान खान और कैटरीना कैफ एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर यानी कि अपनी अपकमिंग फिल्म भारत से क्या कुछ धमाल मचाने वाले हैं, क्योंकि हर कोई सलमान और कैटरीना कैफ की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद करता है। भले ही ये दोनों रियल लाइफ में शादी के बंधन में ना बंधे हो, लेकिन पर्दे पर इन दोनों को साथ देखकर फैंस खुशी से फूले नहीं समाते। फिल्म जीरो के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर जब शाहरुख खान से पूछा गया कि सलमान खान फिल्म से कैसे जुड़े, तो उन्होंने कहा कि निर्देशक आनंद एल राय ने कुछ समय पहले कैटरीना कैफ से इस फिल्म के बारे में बात की थी और उस समय सलमान ने भी इस कहानी के बारे में सुना। इसके बाद सलमान ने फोन कर बताया कि उन्होंने कहानी सुनी है। संयोग ये था कि आखिर में मैंने फिल्म को हाँ कह दी और फिर उन्होंने कहा कि वो एक गीत के जरिए इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे। ये बहुत सम्मान और प्यार भरा फैसला था। तो फिर बिना देरी किए देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में और क्या कुछ कहा है शाहरुख ने अपने जिगरी दोस्त सलमान खान को लेकर। साइन की तो आपका क्या मतलब थॉट्स थे इस फिल्म को लेके? एक्चुअली स्ट्रेंजली मैं आपको बात बताऊंगा, ये इतना ट्रू नहीं है कि सर ने बहुत से पूछा और बट एक्चुअली कैटरीना से इन्होंने बहुत पहले बात की थी एंड दैट टाइम सलमान ने मुझे एक्चुअली फ़ोन करके बोला कि अब एक पिक्चर आया यार, तू देखो कर दे। सो एक सेकेंड के अंदर उसने फ़ोन करा और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको कोइंसिडेंस बताऊंगा कि द रीज़न ही केम एंड डिड दैट सॉन्ग वॉज दिस, कि मैं इस पिक्चर में होऊंगा ज़रूर और उसका सजेशन भी था कि कैसे करें।
वो थोड़ा सा अलग था हमारे जोन से कि कैसे उसको हम शूट करें. उसने कहा था मास्क पहन के कर दे फटाफट यार, चलना तो यार टाइम करो, छोटे आदमी को किसी को मास्क पहना, बच्चे को पहना. तो हमने वैसा नहीं किया. लेकिन द रीज़न दैट ही केम एंड डिड दिस सॉन्ग, ये बहुत कम लोगों को मालूम है. और सलमान जो है बहुत ही प्यारा इंसान है यार. सी इफ आई वॉज लिसनिंग टू अ फिल्म फॉर वट एवर रीजन्स एंड इफ आई वॉज इन पार्ट ऑफ इट, फॉर हिम टू रिमेंबर दैट अ ईयर लेटर और मंथ्स लेटर व्हेन द फिल्म वॉज एक्चुअली बींग टोल्ड टू कटरीना to come back and say, yaar, is picture mein mujhe karna zarur hai because I've heard this film. So I think that was very dignified and decent and loving of him, of course, as a friend. So that was the reason. Bollywood ke Dabang Khan, yani ki Salman Khan, jo aksar hi khabron ka khan bane rehte hain. Wahi haal hi mein, jahan par har koi ye janta hai ki Salman apne parivar walon se behad hi zyada pyar karte hain, to wahi haal hi mein kaha ja raha hai ki Salman apne jeevan mein सबसे ज्यादा अपनी माँ सलमा से प्यार करते हैं. हाल ही में सलमान की माँ सलमा संग एक तस्वीर सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि सलमा की आंखों का तारा जहाँ पर सलमान है, तो सलमान भी वहाँ बेहद ही खूबसूरत अंदाज में अपनी मम्मी को देख रहे हैं. मानो हर टाइम ये देखा गया है कि जिस तरह से सलमान अपने मम्मी पापा सलीम और सलमा से प्यार करते हैं वो वाकई ही काबिले तारीफ है. तो कहा जा रहा है कि सलमान खान के लिए हर पल उनकी माँ का हर वक्त साथ होना बेहद जरूरी है. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों बॉलीवुड के दबंग सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म भारत को लेकर खूब चर्चा में है, तो वहीं सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और ऐसा माना जा रहा है कि सलमान खान इन दिनों एक काफी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं. आपको बता दें फिल्म भारत की लेंथ 3 घंटे के आसपास की हो सकती है. नई जनरेशन और उनकी पसंद के लिहाज से फिल्म की लेंथ उनके सफल होने में एक खास योगदान अदा करती है. आजकल लोग कम वक्त की फिल्में देखना पसंद करते हैं, यही बातें सलमान खान को काफी ज्यादा परेशान कर रही हैं। इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए दबंग सलमान खान ने फिल्म की लेंथ को छोटा करने की मांग जाहिर की है, मगर फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर फिल्म की लेंथ के साथ छेड़छाड़ करने के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है. फिल्म की लेंथ 3 घंटे की है और सलमान इसे 2.5 घंटे की करना चाहते हैं. बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का नाम वैसे तो कई हसीनाओं संग जोड़ा जा चुका है. सलमान खान का नाम बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सलमान खान के साथ एक बार ऐसा कुछ हो गया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते. दरअसल सलमान खान ने अपने शो 10 के दम के दौरान का एक किस्सा बताया. उन्होंने बताया कि एक बार वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर गए थे. उन दोनों के सिवाय घर में कोई और बिल्कुल नहीं था. अचानक लड़की के घर वाले लौट आए सलमान घबरा गए और छिपने के लिए जगह तलाशने लगे. बेडरूम में पड़ी अलमारी पर उनकी नजर पड़ी. किसी तरह सलमान उस अलमारी में घुसे और छिप गए थे. जी हां, सलमान खान ने अपने शो 10 के दम पर ये मजेदार किस्सा शेयर किया और हर कोई दंग रह गया कि भाई बंद कमरे में किस तरीके से सलमान खान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे और पकड़े जाने के डर से वो अलमारी में छिप बैठे. वेल दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आपको दिखाया बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और उनकी चहेती एक्ट्रेस यानी कि कैटरीना कैफ को लेकर. इन दोनों के प्यार के चर्चे तो भाई दूर दूर तक हैं. दोनों एक वक्त था जब एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन भाई बीच में आ गए रणबीर कपूर और सलमान से कैटरीना को छीन कर चले गए. लेकिन भाई रणबीर कपूर ने भी कैटरीना कैफ को कहा जाता है कि धोखा दे दिया और उसके बाद कैटरीना कैफ को जो कंधा मिला वो था सलमान खान का. और सलमान खान और कैटरीना कैफ अब भले ही ऐसा कहा जाता है कि दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कैटरीना कैफ और सलमान खान की जो नजदीकियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई हैं, उससे ऐसा ही माना जाता है कि भाई एक बार फिर से ये दोनों कहीं दूसरे के प्यार में तो नहीं पड़ गए. वहीं आपको बता दें कि कैटरीना कैफ का जो लुक सामने आया उससे फैंस ऐसा अनुमान लगा रहे थे, ऐसे कयास लगा रहे थे कि भाई कैटरीना कैफ शायद सलमान की दुल्हनिया बन गई हैं। वेल आपको बता दिए सिर्फ और सिर्फ कयास ही है, ऐसा फिलहाल नहीं हुआ है. जब होगा तो भाई सलमान खान के फैंस तो खुशी से फूले नहीं समाने वाले हैं. तो वहीं आपने देखा कि किस तरीके से संजय लीला भंसाली की फिल्म में अब जिगरी दोस्त करण अर्जुन
एक बार फिर से नजर आने वाले हैं सलमान खान और शाहरुख खान की जोड़ी को देखने के लिए फैंस हमेशा ही काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और अगर खबरों की माने तो भाई ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोनों अब बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। लेकिन आप निराश न होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ ऐसे ही कुछ दिलचस्प सलमान खान से जुड़े किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।